इच्छुक आपको सुनना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, इंद्रिय और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, मेरे प्यारे भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय विषम द्विवेदी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, और एक बात मैं कह रहा हूं, उनका स्थान और सम्मान हम सुनिश्चित करेंगे और ऊंचे स्थान पर जाएंगे, भाई देव सिंह सयाम जी, हमारी बहन जो अभी प्रत्याशी है, लोकप्रिय प्रत्याशी, आपकी बहन और बेटी संपत्ति उइके जी, राजेश पाठक जी, अंजलि तिवारी जी, भगवती श्रीधर जी, संदीप जी, मथुरा जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरी बहनों और भाइयों, आपको सबसे पहले धनतेरस की बधाई। मेरी बहनों, इस बार धनतेरस के पहले ही पैसा डाल दिया मैंने खाते में, बोलो आ गए कि नहीं आ गए, तो जाओ आज खरीदी करो भैया के नाम पे, और चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, भैया जिंदा है अपनी बहनाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, ये मेरा परिवार, आप मेरे भाई, आप मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरे भांजी, बताओ मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, एक बार फिर बताओ मुख्यमंत्री की भैया, मैं तो भैया हूं, मामा हूं, लेकिन वो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कहती है ये तो कंस मामा है। मैडम प्रियंका जी, तुम भाई बहन के रिश्तों को क्या जानो, तुम भांजे भांजियों के रिश्तों को क्या जानो, मेरे भाई बहनों, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है, आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, और इसलिए मेरी बहनों, मैंने देखा था मेरे गरीब बहनें कई बार हजार हजार दो दो हजार रुपए के लिए परेशान रहती थी कि नहीं, इसलिए भाई ने सोचा बहने क्यों परेशान रहे, अरे तू भी तो भाई है शिवराज, अपनी बहनों के लिए कुछ कर, तो मैंने सोचा और क्या करूं, सीधे खाते में पैसा डाल देता हूं, लेकिन साल में एक बार नहीं, हर महीना पैसा आएगा, हर महीना। संपत्तिया जी, दो चीजें, एक जो लाडली बहना रह गई हो, हर गांव में दस दस बीस बीस रह गई नहीं, तो सबके नाम जोड़ूंगा, कोई बहन नहीं छूटेगी, चिंता मत कर। नंबर दो, सब बेटियां जिनकी 21 साल की उम्र हो गई, उनकी शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में सरकार बनने के बाद पैसा आएगा, और 1250 ही थोड़ी आएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा, अभी चिंता काय को करती हूं, जैसे ही इंतजाम होता जाएगा पढ़ाता जाऊंगा, 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितने करूंगा, जोर से बोलो ना, काय को डरते, कितने करूंगा। अभी कांग्रेसी बड़े परेशान है कि मामा मेरी शिकायत कर रहे चुनाव आज, मुझे तो पैसा डाल रहा है, रोको 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 रोको। अरे मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने भाई बहनों की मदद करने से। और एक बात और सुन लो, आज समय कम है, कई जगह जाना है, अभी रुको भाई, मेरी बात होने लो, देखो आगे जो चीजें करनी है वो सुन लो, बहुत कम समय है, कई जगह जाना है। बताओ कहीं के अभी कच्चे मकान है कि नहीं, पक्के बनना चाहिए कि नहीं, तो अब योजना बन गई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, कई ने फार्म भर दिए होंगे, सरकार बनने के बाद पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, धीरे धीरे दूंगा, मतलब जैसे 20 लाख निकले तो 5 लाख को, फिर 5 लाख को, फिर 5 लाख को, आप मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले 5 लाख, फिर दूसरे साल 5 लाख, फिर तीसरे 5 लाख, लेकिन कोई को कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे मेरे बहनों भाइयों, सबको पक्का मकान। और अब एक बात और सुनना, मैं संपत्तिया दीदी, अभी तो लाडली बहना बनी है, अब लखपति बहना बनाऊंगा, 5 साल में लखपति बहना, और मैं करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। लखपति बहना का मतलब 10,000 रुपया महीना से ज्यादा कमाई हो,
साल भर में 1,00,000 से ज्यादा इतने काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से दूंगा कि मेरी बहनें गरीब नहीं रहेंगी, आंसू नहीं बहाएंगी। तुम्हारे लिए मैंने जन्म लिया है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर करके मानेंगे। और किसान भाइयों, 1,250 अगर बहनों को मिल रहे तो 1,000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। अब ये भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और बढ़ाए, इधर उधर की सब्सिडी खत्म करके सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल दो तो किसान अपना काम आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? और रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही मिलेगा, भैया इनका इंतजाम करेगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो, चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा। तुम्हारे पास अब 100 रुपया महीना का बिजली का बिल नई सरकार बनने के बाद आएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था है, जैसे CM राइज स्कूल, अरे अरबपतियों के बच्चे, अरे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े सेठ कमलनाथ के, पर हमारे टूटे फूटे में पढ़े नहीं, अच्छे स्कूल बनाएंगे। CM राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाएंगे। और देव सिंह जी और संपतिया जी, अभी क्या बन रहा है CM राय, चिराई डोगरी में मैं 10 CM राइज स्कूल बनाऊंगा, हर 25 गांव के बीच में एक, शिक्षा निःशुल्क होगी। और मेरे भांजो, अब अगला मंत्र मेरा, हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार देंगे ताकि रोजी रोटी को बाहर नहीं जाना पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं आया हूँ। और बच्चों की मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मैं फीस भरवाऊंगा, कोई भी मेरे बेटा बेटी हो, आदिवासी हो, चाहे बाकी गरीब भाई बहनों, कोई जाति कोई के धर्म के हो, मैं चिंता करूंगा ताकि ये बच्चे आगे बढ़े। आज समय बहुत कम है, कई चीजें हैं। देखो कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, इनने संबल योजना बंद कर दी थी, इन्हें बेगा भाइया सहरिया बहनों के खाते में पैसा बंद कर दिए थे, इन्हें बेटियों की शादी बंद कर दी, कन्याओं के खाते में पैसा नहीं डाले, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप इन्हें छीन लिए, इन्हें तो छीनने का कार्य कम किया, ये छीनने वाले लोग हैं। अभी लुहाओ ने वादे करके आएंगे, राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो दोहरे चरित्र वाले हो, तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफॉल्टर बना दिया, तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली देते हैं, और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को CM का फेस तुमने बना दिया। तुम नारी के सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे नेता रोज माता बहन और बेटी का अपमान करते हैं नीतीश कुमार जैसे, और तुम्हारे मुंह में ताला डला रहता है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम भ्रष्टाचार पे बात करते हो, लेकिन भूपेश बघेल जैसे भ्रष्ट मंत्री के, मुख्यमंत्री के गले में बाहें डाल के घूमते हो, तुम तो मिसगाइडेड मिसाइल हो, कभी किसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, दिल से बताना, आज हृदय पे हाथ रख के बताना, आपको मुझ पर विश्वास है तो सुनो, इस बार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं? तो मेरी सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? और मेरी सरकार तब आएगी जब ये संपत्तियां हुई के विधायक बन के जाएंगी, तो मेरी सरकार आएगी। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं, संपत्तियां उइके को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। और एक बात सुनना मेरी बहनों, कि मेरे अकेले का काम है चुनाव प्रचार करना, तुम्हारा काम नहीं है क्या? बताओ, अगर अच्छी सरकार है तो निकल पड़ो गाँव गाँव और कहो भैया की सरकार बनाएंगे। बोलो निकलोगे साहब? अब भांजे भांजियों, तुम मुझसे कहते हो मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू, तो निकल पड़ो तुम भी मामा की सरकार बनाने। किसान निकले, नौजवान निकले, बहन भाई निकले, इस चुनाव को लड़े जनता, और इतने वोटों से जिताओ कि सारी दुनिया देखती रह जाए मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो संपत्ति उनको जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे, तो दे दो ना दोनों हाथ ऊंचे करके, और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के
संपत्तियां हुई के कमल के फूल को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जल्दी भागना पड़ेगा, बहुत सभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जीतने के बाद फिर आऊंगा।